नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वदीप और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वीके ऑटोमोबाइल व्लॉग। सो आज की जो वीडियो मैं आपको मैं चीज दिखाने वाला हूँ वो ये गाड़ी है। मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया है, जो मेरे चैनल पे फर्स्ट वीडियो जो आई थी इसी गाड़ी की थी, निसान माइक्रा की थी वो। और इसमें जो अब सेटअप लगा हुआ है वो टोटली चेंज हो चुका है, वो SPL सेटअप है। हाँ, वीसोनिक के बूफर्स इसमें पहले लगे थे, अब हमने इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं जो कि मैं आपको अपने चैनल में अभी आपको दिखाऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आपको इसके ओनर से भी मिला देता हूं। तो इनका नाम है मिस्टर क्रिस चौरसिया। हेलो भाई, सबको हाय कर रहे हैं। तो ये हमारे छोटे भाई है और इनका ये गाड़ी है, और भाई को बहुत शौक है ऑडियो से, मतलब ये भी एक बेस इंटरेस्टिंग है। इन्होंने अपनी गाड़ी में बेस मशीन लिखा है। भाई अपने बेस मशीन क्यों लगाया, अपने व्यूवर्स को बताइए। ये एक मैंने नाम डिसाइड किया है कि सबको लगना चाहिए कि कुछ आ रहा है और लोग देख रहे हैं, तो एक मैंने अपने मतलब गाड़ी आपने का यूनिक नाम डिसाइड यूनिक कर दिया यूनिक यूनिक, नाम आपने लगाया, कि बहुत लोग बढ़िया। दूर से देखे तो उनको लगे कि हाँ बेस मशीन आ रहा है। ओके, बहुत बढ़िया। तो भाई ने भी इसमें बहुत खर्चा किया है। भाई आपने कितना खर्चा किया है? अप्रोक्स 1 लाख हो चुके वन हैं। लाख फ्रेंड्स, बहुत बड़ी कीमत होती है 1 लाख। 1 लाख अगर हम बात करें तो इसमें सारी चीजें आप इंक्लूड कर रहे हैं, जो भी म्यूजिक सिस्टम पूरा या पूरा पूरा सिर्फ गाड़ी के कंप्लीट मॉडिफिकेशन, म्यूजिक सिस्टम सिर्फ म्यूजिक सिस्टम आपको 1 लाख का सेटअप है। सो फ्रेंड्स, बहुत बड़ी बात है, 1 लाख का सेटअप का भाई ने सिर्फ ऑडियो सिस्टम लगाया है। तो ये फ्रेंड्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, तो प्लीज इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, और मैं गाड़ी में ईच एंड एवरी डिटेलिंग आपको बताता हूँ कि इसमें क्या क्या हमने किया होगा। आइए। तो फ्रेंड्स, चालू करते हैं म्यूजिक प्लेयर से, जो ये सोनी का हमने इसमें इंस्टॉल किया है, XAV 1500 मॉडल, आप देख पा रहे होंगे ये हमने इसमें इंस्टॉल किया है। आइए अब मैं आपको प्लेयर दिखा देता हूँ। यही है वो प्लेयर, सोनी का XAV 1500 मॉडल हमने इंस्टॉल किया है। सो फ्रेंड्स, अब प्लेयर की बात अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ तो इसमें स्मार्टफोन मिररिंग का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि आप वायर्स के थ्रू आप इसमें प्ले कर सकते हो। इसके अलावा इसमें जो मैक्स पावर है 15 वॉट × 4 का दिया हुआ है, और इसका जो वोल्ट है ये 2 वोल्ट का प्लेयर है, और इसमें 3 प्रीआउट्स दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट चीज़ की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। सो फ्रेंड्स, अब बारी है अपने स्पीकर्स की। जो हमने स्पीकर्स इसमें इंस्टॉल किए हैं वो फोकल का RSE 165 ऑडिटर सीरीज हमने इसमें इंस्टॉल किया है, और इसका मैं आपको अब स्पीकर दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे हमने इसकी प्लेसिंग की है, आप देख सकते हैं इसके ट्विटर्स के यहाँ पे प्लेसिंग है, और इसके स्पीकर आपका यहाँ पे लगा हुआ है। अभी मैं आपको नहीं शो कर पा रहा हूँ, बट यहाँ पे स्पीकर्स लगे हुए हैं, हमने ऑलरेडी इंस्टॉल किए हैं। उस साइड भी आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे भी हमने ये ट्विटिंग इसका इंस्टॉल किया है, और वहाँ पे आपका स्पीकर्स लगे हुए हैं। सो स्पीकर्स कुछ इस प्रकार का दिखता है फ्रेंड्स, जैसे आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अब हमने इंस्टॉल कर दिया, तभी आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। और इसके अलावा अब मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ स्पीकर। सो जो हमने फोकल के जो अभी आपको मैंने कंपोनेंट स्पीकर दिखाया है वो हमने फ्रंट में डाले हैं, और रियर में हमने JBL का ही कंपोनेंट डाला है, और उसका मॉडल नंबर है CS790CHI। ये वाला हमने, ये भी कंपोनेंट है, हमने इसको रियर में इंस्टॉल किया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ पीछे इसके ट्यूटिंग्स, आइस कहाँ लगे हैं और स्पीकर नहीं लगे हैं। तो मैं आपको अभी इसका अंदर का तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बट आपको मैं ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि ये कैसा लग रहा है इंस्टॉल होने के बाद। सो यही था स्पीकर्स, हमने ये चारों लगाए हैं। अब मैं आपको एम्पलीफायर की ओर ले चलता हूँ कि हमने इसमें कौन से एम्पलीफायर लगाए हैं। सो ये चारों जो भी मैंने कंपोनेंट स्पीकर्स आपको दिखाए हैं उसको हम ड्राइव कर रहे हैं इस पायनियर के 4 चैनल एम्पलीफायर है ये, और इसका मॉडल नंबर है GME 7004। तो इसी से हम ड्राइव कर रहे हैं अपने चारों कंपोनेंट्स, और मैं आपको अभी आपको कंपोनेंट अपना एम्पलीफायर भी दिखा देता हूँ कि ये एम्पलीफायर कैसा है। ये है हमारा पायनियर का 1000 वॉट का एम्पलीफायर, इसका मॉडल नंबर जैसे मैंने बताया आपको GME 7004 है। इसको हम इस एम्पलीफायर से हम चारों हमारे कंपोनेंट ड्राइव कर रहे हैं। और अब बारी है सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन चीज़ की, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है हमारा सबवूफर। सबवूफर कौन सा है आपको पता है, बट एम्पलीफायर हमने अभी उसमें चेंज किया है, जो कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। सो ये है हमारा हाइपरसोनिक का एम्पलीफायर। इस कार में हमने पहले इन्फिनिटी के मोनो एम्पलीफायर्स लगाए हुए थे, बट भाई का चॉइस था कि इसको थोड़ा और अपग्रेड करना है, क्योंकि वो 600 वाट RMA से निकलता था 4 ओम्स पे, बट भाई का था कि थोड़ा सा और ज़्यादा उसको लाउड चाहिए था, इसलिए हमने हाइपरसोनिक डाला हुआ है।
मोनो है एम्पलीफायर है ये, और अपने रेंज में बजट में बहुत अच्छा एम्पलीफायर है। ब्लैक सीरीज है ये, ये काफ़ी लंबा है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे ये बहुत बड़ा है। मैं आपको अभी चल के एम्पलीफायर भी दिखाऊंगा। सो इसका जो मॉडल नंबर है वो 2000.1 है, और ये 2 ओम्स पे 3500 वॉट निकालता है, 4 ओम्स पे 2000 वॉट, और ब्रिज करके अगर चलाओगे तो 4 ओम पे आपका 1200 वॉट के आसपास निकालता है। तो वो काफ़ी बहुत है, मतलब 2 वूफर के लिए बहुत ज़्यादा है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एम्पलीफायर कैसे दिखता है। तो आइए अब आपको भाई का एम्पलीफायर मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले उससे पहले मैं आपको देख लूँ जो मैं बात कर रहा था, बेस मशीन भाई ने लिखवाया हुआ है, बहुत सही लग रहा है, दूर से भी बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इसका, भाई ने अच्छा लगाया हुआ है। अब भाई ने, मैं इसको एम्पलीफायर तो दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि ये बॉक्स के साथ अटैच है, बट आपको मैं एक ओवरव्यू दे दूँ। आप इसकी लंबाई देख सकते हो फ्रेंड्स, बहुत लंबा एम्पलीफायर है, इसको इसलिए हमने बॉक्स में रखा है क्योंकि ये सीट के नीचे नहीं आ पाया। तो ये है हमारा वूफर वी सोनिक का, जो मैं आपको बता रहा था, ये वी सोनिक का वूफर है, और इसका मॉडल नंबर है V129D4। ये 1500 वॉट मैक्स पावर निकालता है, और इसकी जो RMS है वो 750 वॉट RMS ये निकालता है। तो ये है SPL वूफर, SQL से अलग है, और इसके लिए अगर आपको डिफरेंस जानना है तो मेरे इसमें वीडियो में ऑलरेडी डला हुआ है, उसमें आप डिफरेंस देख सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये है हमारा वी सोनिक का वूफर, ये SPL वूफर जैसे मैं आपको बताया, ये हमने 2 इसमें इंस्टॉल किए हुए हैं। और ये जो एनक्लोजर आप देख रहे हैं ये आपका लो और लाउड दोनों के लिए ट्यून्ड है। तो आइए इसके बाद हम और इसमें क्या मॉडिफिकेशन है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो आइए अब बारी है डैम्पिंग की। इसमें हमने, आप देख पा रहे होंगे, इसका हमने डैम्पिंग किया हुआ है जो कि आपका वाइब्रोमैक्स का डैम्पिंग किया हुआ है। ये हमने इसमें डिक्की में डैम किया हुआ है, और सामने के 2 डोर्स में हमने सेम डैम्पिंग की हुई है। अभी तो डोर पैड लगा है तो मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊंगा, बट यही सेम डैम्पिंग हमने सामने के 2 डोर्स में किया हुआ है। ये बहुत अच्छा डैम्पिंग है, इसके बारे में भी आपको मैं एक रिव्यू वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। आइए मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बैटरी से। इस कार में 35 एम्पियर का छोटा बैटरी लगा हुआ था, बट इतना सारा चीज़ जो हमने इंस्टॉल किया है, इसमें 4 चैनल लगा है, एक 2000 वॉट का एम्पलीफायर लगा है, और SPL वूफर लगा है, तो उसके लिए हमको बैटरी एनहेंस करनी पड़ती है। तो भाई ने इसमें छोटी बैटरी हटा करके ये 65 एम्पियर की बैटरी लगाई है। और बात कर लेते हैं वायरिंग की, तो ये आपका जो ये वाली वायरिंग आप देख रहे हैं, ये हमारा हाइपरसोनिक इसी से ड्राइव हो रहा है जिससे हम वूफर चला रहे हैं वीसोनिक को, और ये वाला जो वायर है ये हमारा ड्राइव कर रहा है पायनियर को, एम्पलीफायर को जो पावर दे रहा है, और इससे हम ड्राइव कर रहे हैं कंपोनेंट स्पीकर्स को। तो दोनों ही वायरिंग आप देख लीजिए, इसकी जो गेज है काफ़ी मोटी है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आपका पावर जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता दूँ कि SPL में अगर आप जा रहे हो या अगर आप SPL में आप शिफ्ट हो रहे हो तो बैटरी, वायरिंग, एनक्लोजर, स्पीकर, प्लेयर, सब चीज़ों का खेल है, सब चीज़ों का खेल भाई लोग। मैं आपको यही बता रहा था कि अगर आप SPL सेटअप अगर आप डालते हो, जैसे कि ये भाई की गाड़ी है वो SPL सेटअप ही डला हुआ है इसमें, तो SPL सेटअप में आपको बैटरी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि पावर बहुत मेन है। तो अगर आप SPL वूफर डाल लो और आप पावर नहीं दो और आप बोलो कि आउटपुट नहीं आ रही, तो वो गलत बात है क्योंकि SPL में आपको वायरिंग का खेल है, आपको बैटरी का खेल है, आपको एनक्लोजर भी वैसा आपको डालना पड़ेगा, आपको प्लेयर का वोल्ट भी मायने रखता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है, इसलिए मैं आपको ईच एंड एवरी डिटेलिंग दिखाया हूँ कि अगर आपको SQL वूफर से SPL में जाना है तो आपको फिर पैसे भी वैसे खर्च करने पड़ेंगे, और पैसे के साथ साथ आपको किसी नॉलेज पर्सन से ये सब सेटअप करवाना पड़ेगा, तब जाके जो आप ढूंढ रहे हो वो चीज़ आपको वो सेटिस्फाई कर पाएगी। सो आइए अब बारी है वोकल सुनाने की, मैं आपको अब इसका वोकल सुनाता हूँ। मैं आपको इसका अंदर से भी वोकल सुनाऊँगा और बाहर से दूर जाकर भी सुनाऊँगा कि इसकी वोकल की क्लैरिटी कैसी है। स्टार्ट करते हैं।
आप लोग ने वोकल अब सुन लिया, अब बारी है बेस की। मैं आपको बेस सुनाता हूँ इसका कि बेस कैसा आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। एनसीएस का ही क्रेडल सॉन्ग्स मैं प्ले कर रहा हूँ। Kids screaming, just profanities. I see the red through eyes covered in pink and blue. Cross out the ones who help the cries and watch me weep. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. वीडियो आपको कैसी लगी, आप प्लीज़ लाइक कमेंट करके मुझे बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है, ताकि मुझे ऐसे वीडियोस बनाने में और मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं। सो ये भाई की थी गाड़ी, उत्कृष्ट भाई की हमारी। और कैसा लगा आपको इसका भाई का, जैसे आपने भाई ने बताया 1 लाख का सेटअप था, मुझे तो बहुत ज़बरदस्त सेटअप लगा है। आई थिंक मैंने अभी तक छत्तीसगढ़ में, हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं, भिलाई से है, तो अभी तक मैंने इतना पावरफुल बेस और इतना क्रिस्प और क्लियर साउंड मैंने तो नहीं सुना है। अगर आपके पास भी ऐसी गाड़ी है, अगर आपकी भी ऐसे आपने लाउड सेटअप बनाया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ। अगर आप यहीं भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर से या और भी बिलासपुर से भी हो, तो आप मुझे बताइए, या अगर आपका यहाँ आना होता है तो हम उसको वीडियो बना के सबको ये जरूर दिखाएंगे, ताकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो ये बेस एंथुसिएस्टिक का जो लेवल है, जो ये क्रेज है, वो हम उसको बरकरार रखें और इसको हम और आगे तक लेके जाए। सो भाई, अगर आप हमें, हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहते हैं, हमारे चैनल अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट, अगर आप बोलना चाहें तो प्लीज बोल दे, फिर हम वीडियो अटेंड करते हैं। प्लीज भैया के सही वीडियो देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, भैया बहुत अच्छे हैं। आपको भी आपके गाड़ी का वीडियो बनाना है तो आप जरूर हमें कॉल करिए, अगर हमसे पॉसिबल होगा तो हम लोग आगे आएंगे, आपका वीडियो भी बनाएंगे जरूर। और आपको गाड़ी का काम भी हो तो भी हमें कॉन्टेक्ट कीजिए, कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो, जैसा भी हो खुद कॉन्टेक्ट कीजिए। तो सबसे अच्छी बात यह है कि भाई ने इसको खुद इसमें फिट किया है, किसी की मदद नहीं ली है भाई ने, इसको सारी चीजें जो मैंने आपको अभी दिखाया, वूफर से लेकर के एम्पलीफायर से लेकर के कंपोनेंट स्पीकर से लेकर, भाई ने इसमें खुद फिट किया है। तो भाई को भी प्रॉपर नॉलेज है, और कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आप वीडियो को एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, अलविदा।